शुक्र के राजा एवं राजपद और मंत्रिपरिषद संबंधी विचारों का विचार। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस अंक में हम शुक्र के राजा एवं राजपद संबंधी विचार और मंत्रिपद परिषद संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राजा एवं राजपद संबंधी विचार। शुक्र के अनुसार राजा के सभी अंगों में राजा का विशिष्ट और सर्वोच्च स्थान है। वह राज्य रूपी शरीर का मस्तिष्क है और राज्य रूपी वृक्ष का मूल होता है। स्वयं शुक्र के शब्दों में राजा राज्य की वृद्धि हेतु सभी को मान्य है। वह नेत्रों अर्थात प्रजा को इस प्रकार आनंद देता है जैसे चंद्रमा समुद्र को। यदि उत्तम राजा न हो तो प्रजा इस प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे मल्लाह के बिना समुद्र में नाव। शुक्र यह मानता है कि राजा में देवताओं के विभिन्न अंश पाए जाते हैं जैसे इंद्र, पवन, यम, सूर्य, वरुण, चंद्र और कुबेर। इन देवताओं के स्वाभाविक अंशों से और अपने तप से राजा सभी प्राणियों का स्वामी होता है। राज की रक्षा करने में वह स्वर्ग के रक्षक इंद्र के समान होता है। जैसे पवन सुगंध प्रेरक है वैसे ही राजा सत और असत कर्मों का प्रेरक होता है। राजा धर्म का प्रेरक होता है। वह अधर्म का भी उसी प्रकार नाश करता है जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है। यमराज के समान वह दुष्टों को दंड देता है। अग्नि के समान शुद्ध होता है। प्रजा और अपने धन को पुष्ट करने वाला वरुण होता है और कुबेर के समान अक्षय संपत्ति का स्वामी होता है। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार राजा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभु है जिसे शुक्र अत्यधिक उच्च स्थिति प्रदान करता है। समस्त सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवहार उसी से प्रारंभ होते हैं। वह देवत्व का सर्वोच्च रूप है। राजाओं के प्रकार अच्छे अथवा बुरे राजा में अंतर। शुक्र के अनुसार राजाओं में देवताओं के अंश होते हैं किंतु शुक्र के मतानुसार प्रकृति के तीन गुण सत्व रजस और तमस के समान राजा भी तीन प्रकार के होते हैं। जिस राजा में तमस गुण की प्रधानता है वह राक्षस प्रकृति का माना जाएगा। जिस राजा में रजोगुण की प्रधानता वह राजा देव का स्थान नहीं पा सकता है। और परंतु जिस राजा में सत्व गुण का प्राधान्य है वही एकमात्र राजा देवत्व को प्राप्त होगा और ऐसे राजा की उत्पत्ति देवीय मानी जाएगी। राजा के गुण और दुर्गुण। शुक्र के अनुसार मृग्या जिसे आखेट कहा जाता था, द्यूत अर्थात जुआ और मद्रापान ये राजा के प्रमुख अवगुण होते हैं। राजा को काम क्रोध मद लोभ मोह को त्यागने पर ही राजा सुखी होता है। शुक्र के अनुसार धर्म के अनुसार कर्म करने वाला राजा पंडित है तथा समय के अनुसार धन लेने व देने से साधु होता है। अतः शुक्र का राजा को परामर्श है कि घने विषय रूपी वन में
मद से दौड़ते हुए इंद्रिय रूपी हाथी को राजा ज्ञान रूपी अंकुश से वश में करे। राजा के कर्तव्य, शुक्र ने राजा के 8 कर्तव्यों की चर्चा की है। ये कर्तव्य हैं दुष्टों को दंड, प्रजा का पालन, राजस्व आदि यज्ञों का करना, न्याय से कोष संगठन, राजाओं को करदाता बनाना, शत्रुओं का मर्दन करना, दान लेना और भूमि का विस्तार करना। इसी प्रकार शुक्र ने राजा की दिनचर्या बताई है कि शुक्र ने कौटिल्य की भांति राजा की दिनचर्या को विस्तृत रूप से चित्रित किया है। उसने राजा की दिनचर्या को 48 मिनट के 30 मुहूर्तों में विभाजित किया है। अर्थात शुक्र ने कालगणना की इकाई मुहूर्त स्वीकारी है। राजा की दिनचर्या की शुरुआत रात्रि के अंतिम पहर में उठकर दो मुहूर्तों से प्रारंभ होती है, जैसा इस तालिका में दिखाई देता है कि दो मुहूर्त सबसे पहले कोष का अध्ययन करे राजा, रात्रि में उठकर शुरू करता है दो मुहूर्त, एक मुहूर्त शोच व स्नान करें, फिर दो मुहूर्त धार्मिक कृषि करें, कार्यकृत्य करें, एक मुहूर्त शारीरिक अभ्यास करें, एक मुहूर्त पारितोषिक वितरण करें, 4 मुहूर्त मुख्य अधिकारी से कार्य, आय व्यय के अनुमान, खाद्यान्न, कपड़े, स्वर्ण जवाहरात तथा सैनिकों से संबंधित कार्य करें, एक मुहूर्त इष्ट मित्रों के साथ भोजन एवं विश्राम करें, एक मुहूर्त नई व पुरानी वस्तुओं का निरीक्षण करें, दो मुहूर्त न्यायाधीशों से विचार विमर्श करें, दो मुहूर्त आखेट व क्रीड़ा में व्यतीत करें, एक मुहूर्त सैनिकों का निरीक्षण एवं सेनाभ्यास में बिताए, एक मुहूर्त सायंकालीन उपासना करें, एक मुहूर्त रात्रि भोजन करें, दो मुहूर्त गुप्तचरों से वार्तालाप करें और अंत में 8 मुहूर्त सोने में व्यतीत करें। इस प्रकार शुक्र ने राजा की दिनचर्या को इन 30 मुहूर्तों में विभाजित करके और प्रत्येक मुहूर्त के अनुसार उसके कार्य निश्चित किए हैं। राजा का उत्तराधिकारी शुक्र युवराज को राजा का दाहिना नेत्र कर्ण बताता है, अतः युवराज की नियुक्ति बहुत सोच समझकर की जानी चाहिए। जो मुद्रा के बिना संपूर्ण राज्य कार्य को करने में समर्थ हो और धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र को ही युवराज मनोनीत किया जाना चाहिए। यदि ऐसा पुत्र न हो तो अपने चाचा अथवा छोटे भाई अथवा बड़े भाई के पुत्र को अथवा देवते पुत्री के पुत्र को अथवा दत्तक पुत्र को युवराज बनाना चाहिए। निरंकुश राजा का नियंत्रण, इसके लिए शुक्र ने दैवीय दायित्व एवं कर्तव्य स्वीकारे हैं, किंतु उसने दैवीय अधिकारों का कदापि उल्लेख नहीं किया है। शुक्र ने राजा पर नियंत्रण के 3 उपाय बताए हैं। पहला नैतिक उपाय, इसमें राजा की शिक्षा नीति व दर्शन के उपदेश राजा के सहायकों एवं परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत, पारलौकिक सुखों एवं दुखों की व्यवस्था, राजा के कर्तव्य व राजा की दिनचर्या को शामिल किया जा सकता है। वैधानिक उपाय दूसरे, इसके अंतर्गत शुक्र ने इस भावना पर बल दिया है कि
राजा का पद श्रेष्ठ है, किंतु यह विधि नियम कानून से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। शुक्र नीतिसार ने वेद स्मृतियों एवं सदाचार से प्राप्त विधि को ही स्वीकारा है। अब है शुक्र के मंत्रिपरिषद संबंधी विचार। सबसे पहले शुक्र ने मंत्रिपरिषद की आवश्यकता पर बल दिया है। शुक्र ने मंत्री को राज्य के सप्त अंगों में सम्मिलित किया है। शुक्र ने राजा के लिए मंत्रियों आदि की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए कहा है कि कोई भी मनुष्य छोटे से छोटा कार्य भी बिना सहायकों की बड़ी कठिनाई के से नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में अति महान कार्य राज्य की व्यवस्था का संचालन बिना सहायकों के करना दुष्कर होगा। राजा के लिए युवराज और मंत्री की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए शुक्र कहता है, युवराज राजा की बाम भुजा होता है और मंत्रियों का समूह राजा के नेत्र अथवा कान होते हैं। युवराज और मंत्रियों के बिना राजा बाहु आंख और कान से हीन होता है। मंत्रियों की संख्या। हिंदी पॉलिटी के लेखक जायसवाल ने लिखा है कि जब शुक्र नीति लिखी गई थी तब मंत्रियों की संख्या लगभग 8 निश्चित की गई थी और शुक्र नीति में इन 8 मंत्रियों का उल्लेख इस प्रकार है, सुमंत्र पंडित मंत्री प्रधान सचिव अमात्य प्राण विभाग और प्रतिनिधि। शुक्र नीति में इन 8 मंत्रियों को राजा की 8 प्रकृतियां बताया गया है। शुक्र ने पुरोहित को 8ों से ऊपर बताया है तथा 8 मंत्रियों के अलावा एक अन्य पदाधिकारी दूत की कल्पना की गई है। इस प्रकार शुक्र ने राजा की 10 प्रकृतियां मानी है, 8 मंत्री, 1 पुरोहित और 1 दूत। प्रतिनिधि कार्य एवं अकार्य का प्रतिज्ञाता प्रधान, राजा के समस्त कार्यों का दृष्टा सचिव, सेना का ज्ञाता मंत्री जो नीति कुशल हो, पंडित धर्मशास्त्र का ज्ञाता प्राण विभाग जो लोक और शास्त्र की नीति का ज्ञाता हो, अमात्य देश काल के ज्ञाता, सुमंत्र आय व्यय का ज्ञाता। शुक्र के प्रमुख 8 अधिकारियों से मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन। शुक्र ने इस सिद्धांत को स्वीकारा है कि पुरोहित जिसको बोला जाता है से प्रारंभ करके पूर्व पद का वेतन अर्थात आय आगामी पद से 1/10 ज़्यादा होनी चाहिए। इसका सरल अर्थ है कि दूत की तुलना में अमात्य को, अमात्य की तुलना में सुमंत्र को, सुमंत्र की तुलना में पंडित को, पंडित की तुलना में प्राण विभाग को, प्राण विभाग की तुलना में सचिव को और सचिव की तुलना में प्रधान को और प्रधान की तुलना में प्रतिनिधि और प्रतिनिधि की तुलना में पुरोधा को 10वां अंश अधिक वेतन मिलना चाहिए। अगला है कार्यकाल तथा विभाग परिवर्तन। शुक्र के अनुसार प्रत्येक विभाग में उसका मुखिया मंत्री या प्रधान अधिकारी तथा उसके 2 सहायक 3, 5, 7 अथवा 10 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाने चाहिए। किसी भी पद पर किसी को स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार शुक्र ने
प्रधान अधिकारियों अर्थात मंत्री परिषद के सदस्यों एवं अन्य सहायकों की कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए उनकी पदोन्नति, स्थानांतरण अथवा पदमुक्ति की व्यवस्था को स्वीकारा है। तीसरा है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की सामान्य योग्यताएं राजा को राज्य की उन्नति के लिए मंत्री आदि प्रमुख सहायकों के पद पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जो कुल गुण एवं शील में बड़े हों, शूर राजभक्त मृदुभाषी हों तथा क्लेश सहन करने का गुण रखते हों। शुक्र ने 6 प्रकार की योग्यताओं पर बल दिया है, आनुवंशिकता, नैतिकता, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, राजभक्ति, नीति निपुणता। मंत्रियों की योग्यता की दृष्टि से उनके कार्य, शील एवं गुण का ही महत्व होता है, मात्र उनकी जाति एवं कुल का नहीं। वास्तव में विवाह एवं भोजन में ही जाति एवं कुल का विचार अनिवार्य है। अगला है, मंत्रिपरिषद की लिखित कार्य प्रणाली। शुक्र की मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली को इस प्रकार बताया जा सकता है कि किसी विभाग का मंत्री तथा उसका सहायक मिलकर अपने विभाग से संबंधित किसी विषय पर एक लेख तैयार करते हैं। इस लेख पर सबसे पहले राजा की टिप्पणी ली जाती है ताकि इसके दोषों को समाप्त किया जा सके। इसके बाद इस लेख पर अन्य सभी विभागों की राय ली जाती है। इससे सभी विभागों में तालमेल एवं समन्वय बना रहता है। इस लेख पर सभी मंत्रियों द्वारा अपनी मुद्रा सहित हस्ताक्षर किए जाते हैं। अंत में राजा इसका पुनः अवलोकन करता है, अपना निर्णय देता है। इस प्रकार हमने इस अंक के अंतर्गत शुक्र की राजा राजपद संबंधी विचारों और मंत्रिपरिषद संबंधी विचारों का अध्ययन किया। धन्यवाद।